शांति। आज की तारीख है 16/10/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे प्राण प्रिय बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बाबा कहते हैं पहले स्वयं निर्विकारी बनना है फिर दूसरों को कहना है। प्रश्न है आज का, तुम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है, सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है। उत्तर है अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है, सिर्फ चेक करो कि मैं महावीर हूं, मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूं। बेहद का वैराग्य रहता है, मैं आप समान बनाता हूं, मेरे में क्रोध तो नहीं है, जो दूसरों को कहता हूं वह खुद भी करता हूं। सवेरे सवेरे अमृत वेले हम अपनी चेकिंग करें तो ये मुरली लेकर बैठें और मुरली के इन प्रश्नों पर मनन चिंतन व मंथन करें और स्वयं को देखें। गीत बजा है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। धारणा के लिए मुख्य सार की दो बातें, नंबर एक है सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम 21 जन्मों के लिए बेहद बाबा के वारिस बने हैं, इस ही जन्म के वारिस नहीं लेकिन बेहद बाप के 21 जन्मों के लिए हम वारिस बने हैं। जिनके वारिस बने हैं उनको याद भी करना है और पवित्र भी जरूर बनना है। नंबर दो है बाप जो श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं वही कर्म करने हैं। जो बाबा अभी संगम युग पर हम बच्चों को कर्म करने सिखला रहे हैं वही कर्म करने हैं, श्रीमत लेते रहना है। वरदान है आज का, रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भव। बाप कहते हैं जो बच्चे सदा बाप दादा के संग में रहते हैं उन्हें संग का रंग ऐसा लगता है जो हरेक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। जिस रूहानियत में रहने से फरिश्तेपन का मेकअप स्वतः ही हो जाता है। जैसे मेकअप करने के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है, मेकअप करने से वो सुंदर लगता है। यहाँ भी फरिश्तेपन के मेकअप से चमकने लगेंगे और ये रूहानी मेकअप सर्व का स्नेही बना देगा। स्लोगन है आज का ब्रह्मचर्य योग तथा दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम।
शांति।